नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर मुरैना से आ रही है। मुरैना अंबा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 8 से निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव छारी का नामांकन पत्र निरस्त करने भाजपा ने बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि अंबा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव छारी ने उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। अभिनव छारी ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय नामांकन में आपराधिक प्रकरण का कोई भी उल्लेख नहीं किया था। ज्ञापन में आगे उल्लेख किया गया है कि अभिनव छारी पर वर्ष 2011 में 147, 294, 302, 323 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था। उक्त प्रकरण आशुतोष पांडे की हत्या के संबंध में दर्ज हुआ था। बावजूद इसके उन्होंने अपने शपथ पत्र में यह जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई थीं। यह समस्त जानकारियां छुपाना निर्वाचन आयोग के साथ धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के साथ साथ सभी मतदाताओं के साथ छलावा किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अम्बा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 8 से प्रत्याशी अभिनव छारी का नामांकन पत्र निरस्त करने की मांग की है। जिला निर्वाचन अधिकारी से उन्होंने ये मांग की है। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुरैना से राजीव कुशवाहा की रिपोर्ट। अम्बा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अनुभव छारी ने नामांकन फॉर्म दायर करते समय एक शपथ पत्र दिया। उस शपथ पत्र में उन्होंने कहीं भी इस चीज को स्वीकार नहीं किया कि उनके खिलाफ 302 की हत्या की कायमी हुई है। तथ्यों को छुपाने के वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर हम लोगों ने माननीय कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि वो मुख्य निर्वाचन आयोग को हमारे पत्र को, हमारे ज्ञापन को भेजेंगे। दिया है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने, क्या ये मामला बन गया है? उनके द्वारा बताया गया है कि अम्बा विधानसभा में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट द्वारा नामांकन पत्र भरा गया है अभिनव छारी नाम से। उनका कहना है कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में जानकारी छिपाई है, उनके ऊपर एक प्रकरण ग्वालियर में चल रहा है जिसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है, उसी के संबंध में ज्ञापन है। तो ये ज्ञापन हम नियमानुसार आयोग को भेज देंगे और उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो आयोग द्वारा तय की जाएगी।